जोहार साथियों, आज के डिस्कशन में हम लोग मुंडा जनजाति पे जानकारी इकट्ठा करेंगे। सबसे पहले बताएं कि मुंडा जनजाति कौन है, कहाँ से आए हैं और ये भारत और छोटा नागपुर के प्रदेश में किस तरह से आए। भारत में सर्वप्रथम कौन सी जनजाति आई या फिर कौन सी जाति आई, इस पर भी डिस्कस करेंगे। इससे पहले मुंडा जनजाति के बारे जानने से पहले अब हम लोग थोड़ा सा इतिहास की शुरुआत के पन्नों पे चलते हैं कि मानव की शुरुआत कब हुई थी। इस क्वेश्चन पे सबसे प्रथम हम लोग को हेल्प लेना पड़ेगा किसका, एक वैज्ञानिक थे डार्विन। डार्विन इन्होंने बताया था कि 2 लाख वर्ष पूर्व, 2 लाख वर्ष पूर्व मानव इस धरती में आ चुके थे। तो मानव कब आ चुके थे इस धरती पे, 2 लाख वर्ष पूर्व। फिर धीरे 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 इस पर विकास हुआ और वर्तमान स्थिति पे आए। यदि हम लोग इस टेबल के थ्रू देखना चाहें, ये टेबल है, टेबल के थ्रू देखना चाहें तो सेंटर में कहीं हो जाएगा क्या 0 ईस्वी, जिसको हम लोग ईसा मसीह का जन्म आसपास मानते हैं वेश। इसके बाद आते हैं धीरे धीरे धीरे, यहाँ कहीं हो जाएगा 2000 ईस्वी और अभी हम लोग 2023 में। और इसी तरह थोड़ा सा पीछे चलें 0 से पहले, इसको बोलते हैं ईस्वी पूर्व। ईस्वी पूर्व जैसे 100 ईस्वी पूर्व, इसी तरह 600 ईस्वी पूर्व, इस तरह से हम लोग 2 लाख ईस्वी पूर्व, 2 लाख ईस्वी पूर्व। तो मानव कब आ चुके थे इस धरती पे, 2 लाख ईस्वी पूर्व। मानव की उत्पत्ति के संदर्भ में बहुत सारा थ्योरी है। यदि हम लोग धर्म पर माने तो मुंडा धर्म पे हम लोग सिंगुंगा नहीं, इस धरती पे मानव को बनाया और हम लोग आगे बढ़ते गए, विकास करते गए। साइंस के दृष्टिकोण से देखेंगे तो हम लोग कोई जलीय जीव थे, जलीय जीव से ही इवोल्व हुए हैं, परिवर्तन हुए और मानव का रूप धारण हुआ। इससे पहले हम लोग बंदर थे। तो 2000 ईस्वी, 2 लाख वर्ष पूर्व के बाद धीरे 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 शुरुआत में हम लोग जंगल में रहते थे, जंगली जानवर की तरह, और 4 पैर से चलते थे। उसके बाद धीरे धीरे बंदरों की तरह दिखने लगे और 2 पैर से चलना शुरू किए। हम लोग जब इतिहास को बांटेंगे तो आप लोग जानते होंगे, इतिहास को बांटते हैं तो आपको मिलता है एक पाषाण काल। पाषाण काल में भी पूरा पाषाण काल, उसके बाद मध्य पाषाण और नवपाषाण। तो मानव इस पूरा पाषाण में पत्थर से ही अपना औजार वगैरह बनाता था, तो ये पाषाण मतलब पत्थर होता है। इस दौरान ये जंगल में भटकते थे, इधर उधर खानाबदोश की तरह दिन भर भटकते रहते थे। शुरुआत में मानव मांसाहारी था। मानव किस तरह से था शुरुआत में, मांसाहारी। अर्थात आज के डेट में कोई बोलता है कि मैं प्योर भेज हूं तो उन्हें इस जानकारी होनी चाहिए कि उसके पूर्वज क्या थे, एक मांसाहारी ही थे। इसके बाद मध्य पाषाण, पूरा पाषाण और नव पाषाण के बीच का काल है। इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस आया, जैसे स्टार्टिंग में जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर चेंज हुआ, मौसम आया, कुछ पेड़ पौधे थोड़ा सा बढ़ गए। और नव पाषाण, ये पूरा पाषाण काल में ही हम लोग आग की खोज कर चुके थे, आग की खोज हो चुकी थी। उसके बाद मध्य पाषाण में परिवर्तन हुए, बहुत सारे पेड़ पौधे आए और नव पाषाण होते होते हम लोगों ने कृषि कुछ हद तक सीख ली थी, कृषि कुछ हद तक सीख ली थी। और पहिए का आविष्कार
जनजातियों या आदिवासियों में एक प्रकार का विकास का प्रतीक माना जाता है। यही से हम लोग विकास की धारा को आगे बढ़े। तो यही था। अच्छा, हम लोग बात कर रहे थे कि सर्वप्रथम 2 लाख वर्ष पूर्व मानव आ चुके थे, तो ये मानव इस संसार में किस जगह से शुरुआत हुए थे? तो ये मानव इस अफ्रीका क्षेत्र से सर्वप्रथम सृजित हुए थे और पूरे विश्व में फैल गए थे। तो क्या शुरुआत वाले मुंडा जनजाति के थे? ये कहना तो पूर्ण रूपेण कि हम नहीं बोल सकते हैं, लेकिन इतना थे कि हो सकता है मुंडा जनजाति भी थी, या ये जो आदि मानव थे उन्हीं में से एक विस्तृत रूप या विकसित रूप एक मुंडा जनजाति है। मुंडा जनजाति पे जो खोज किए उनमें से हेरोल्ड विलर हैं, ये एक विद्वान है, ये मानते हैं मुंडा जनजाति के लोग फिलिस्टाइन और उसके आसपास रहते थे। इन्होंने साबूत के तौर पर क्या दिया कि मुंडा जनजाति में अवशेष पत्थर, जिसको हम लोग शासांदरी बोलते हैं, शासांदरी या मृतकों की हड्डियां कब्र से चुनकर पूर्वजों की मिट्टी में गाड़ना, ये संस्कृति मुंडाओं में है शासांदरी की, कि जो व्यक्ति इस दुनिया में नहीं रहे उनके नाम पे पत्थर हम लोग रखते थे। वो चीजें फिलिस्टाइन में भी देखने को मिली। तो इससे हम लोग ये बोल सकते थे कि मुंडा जनजाति हो सकता है स्टार्टिंग में फिलिस्टाइन में थी और वहीं से पूरे दुनिया में फैल गई और अपने भारत के देश की ओर भी आगे होंगे। व्हीलर आगे लिखते हैं कि फिलिस्टाइन से आगे ये काबुल होते हुए सिंधु नदी घाटी में पहुंच गए और इन्होंने बोलन बोलन घाटी का प्रयोग किया था भारत में या एशिया में आने के लिए। एशिया नहीं, भारत के चक्कर में, मध्य एशिया से एशिया प्रवेश करने के लिए उन्होंने बोलन घाटी का प्रयोग किया था। और ये हड़प्पा वाले एरिया, जो हड़प्पा सभ्यता या मोहनजोदड़ो बोला जाता है, उस क्षेत्र में बस गए। कौन? मुंडा जनजाति। अर्थात जो मुंडा जनजाति है, इसको हम लोग ये मान लेते हैं इस क्षेत्र से पहले मानव सृजित हुए। इसके बाद ये जो आपको दिख रहा है इस क्षेत्र में, यही क्षेत्र में फिलिस्टाइन है, इसको थोड़ा जूम करके आपको दिखाऊंगा। ये रहा इजराइल और इजिप्ट के बीच, ये स्पेस है फिलिस्टाइन, ये जो लाल कलर का दिख रहा है ये फिलिस्टाइन है। यहीं पर सर्वप्रथम मुंडाओं के अस्तित्व का बारे पता चला। फिर ये मुंडा इस क्षेत्र से आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हुए मध्य एशिया होते हुए आगे बढ़ेंगे। इसी पे एक वैज्ञानिक है जॉन मार्शल, जो भारतीय सर्वेक्षण विभाग जो खुदाई करती है उसके डायरेक्टर रह चुके हैं, और इन्होंने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो नामक जगहों का रिसर्च इन्हीं के नाम से हुआ था, मतलब इन्हीं के डायरेक्शन हुआ था। एक्चुअली उसमें भारत में अंग्रेजों का शासन था और भारत में ही एक रेलवे ट्रैक बिछाई जा रही थी, तो इसी दौरान खुदाई के में कुछ चीजें मिली। और फिर बाद में जॉन मार्शल के अध्यक्षता में इन्होंने 2 डायरेक्टर बनाए, एक आप लोग नाम सुने होंगे, क्या बनर्जी नाम था, और बनर्जी के साथ में एक नाम याद नहीं रहा है, जो हड़प्पा सभ्यता का खोज किया था, और दयाराम साहनी, दयाराम साहनी और बनर्जी, इन दोनों ने खुदाई का जिम्मा लिया और फाइनली जो हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो नामक शहरों का खोज किया। तो इस दौरान जो जॉन मार्शल है, इन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया कि मुंडा जनजाति के वंशज बोलन घाटी होते हुए सिंधु घाटी की तराई में पहुंचे और यहाँ बस गए। तो ये जो मोहनजोदड़ो या फिर हिंदू सिंधु घाटी सभ्यता है, ये बहुत ही उन्नत या विकसित सभ्यता थी, और इसका काल माना जाता है लगभग 3000 ईस्वी पूर्व से लेके 1700 ईस्वी पूर्व। अच्छा, हम लोग का जो टाइमलाइन था, टाइमलाइन में समझिए, हम लोग का जो टाइमलाइन था, 1 मिनट,
ये अपना जो टाइमलाइन था ये 2 लाख के बाद बीच में कहीं आएगा 3000 वर्ष पूर्व, 3000 ईस्वी पूर्व, इसी समय के आसपास सिंधु घाटी सभ्यता या मुंडा लोग कहाँ पहुंच चुके हैं? अब भारत पहुंच गए हैं, भारत पाकिस्तान वाले क्षेत्र में पहुंच गए हैं। ये आप एरिया देख रहे हैं, सिंधु घाटी का क्षेत्र है, ये वर्तमान का भारत पाकिस्तान और अफगानिस्तान का क्षेत्र आता है, इन क्षेत्र में मुंडा जनजाति आ चुके थे। तो इन्होंने इस क्षेत्र का आने के लिए बोलन घाटी का प्रयोग किया था। बोलन घाटी, ये कहाँ है बोलन घाटी? बोलन घाटी है अफगानिस्तान में और ये क्रेटा और पाकिस्तान को जोड़ता है, और इस बोलन घाटी का प्रयोग व्यापारियों ने भी किया है, आक्रमणकारियों ने भी, और खानाबदोश जनजातियां, अभी हम लोग बात कर रहे हैं मुंडा जनजाति, उसमें खानाबदोश जनजाति ही थी, इन्होंने इस बोलन घाटी का प्रयोग किया और भारत की इस पवन धरती में प्रवेश कर गए। मुंडा जनजाति अब सिंधु वाले क्षेत्र में पहुंच गए। एक मानव वैज्ञानिक है आरवान फिल गिल्डर्न, ये अपने निष्कर्ष में बताते हैं कि मुंडाओं में निश्चित रूप में मंगोलीय तत्व पाए गए। तो मंगोलीय तत्वों के पाए जाना, क्या हम लोग या मुंडा जनजाति मंगोलिया थे? ये तो हम कह नहीं सकते, लेकिन इतना जरूर बोल सकते हैं कि ये जो पैलेस्टाइन से सिंधु घाटी के क्षेत्र में आने के दौरान हो सकता है इन्होंने मंगोलिया का प्रयोग किया हुआ। तो आने के दौरान जब मंगोलिया पहुंचे तो ये एक रास्ता था लगा, मंगोलिया पहुंचे तो यहाँ की संस्कृति, यहाँ के रहन सहन या फिर यहाँ की जलवायु का प्रभाव पड़ा होगा, जिस कारण से मंगोलिया के तत्व मिले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। ये पॉसिबल हो सकता है कि रास्ते में पहुंचे तो उनके तत्व मिल सकते हैं। और ये फाइनली आगे बढ़े तो सिंधु क्षेत्र में ये बहुत दिन तक रहे, लेकिन अभी जैसे मैंने बोलन घाटी का जिक्र किया था, बोलन घाटी में आप लोगों को बताया कि व्यापारी और आक्रमणकारी, तभी भारत प्रदेश में कुछ आक्रमणकारी प्रवेश किया और उनको हम लोग टर्म ले सकते हैं आर्यों के रूप में। आर्य भी मध्य एशिया से यही बोलन घाटी का प्रयोग करते हुए सिंधु के क्षेत्र में पहुंच गए। लेकिन आर्यों की एक खूबी क्या है? ये डोमिनेटिंग नेचर के, आर्य डोमिनेटिंग नेचर के मतलब ये जहां जाएंगे वहां की संस्कृति को नष्ट करेंगे और दूसरों की संस्कृति को नष्ट कर अपनी संस्कृति उसमें थोपेंगे। तो जब मुंडा जनजाति यहाँ निवास कर रही थी, रह रही थी, तो जैसे ही सिंधु क्षेत्र में इनका प्रवेश हो गया है आर्यों का, तो आर्यों का प्रवेश हो गया है तो अब मुंडाओं को सताने लगा, अपनी प्यूरिटी खोने का, अपनी संस्कृति खोने का। तो मुंडाओं में एक चीज आपको दिखेंगे, ये बहुत सरल है, सरल स्वभाव के हैं, और दूसरा ये अपने संस्कृति को अभी तक बचाए रखने में आगे हैं, कहने का मतलब बचाए रखें। तो इसी चीज को डर था इन्हें कि क्या ये जो आर्य आएंगे, आर्य थोड़ा सा युद्ध करने वाले डोमिनेटिंग नेचर के थे, मतलब शांत स्वभाव के नहीं थे, किसी को परेशान करना वगैरह वगैरह, तो इस चीज से और अपना प्योरिटी खोने के डर से अब मुंडाओं का दल या उनका कबीला आगे बढ़ने का निर्णय लेता है। तो बहुत कोई ये बोलते हैं कि युद्ध हुआ और मुंडा हार गए, मुझे ऐसा नहीं लगता, मुंडा लोग बहादुर थे और पहला तो ये युद्ध करने के मूड में नहीं जाते, जब तक कि बहुत ज्यादा खराब स्थिति ना हो तभी जाके युद्ध करते हैं, क्योंकि युद्ध करने के मूड में नहीं रहते हैं, शांति प्रिय हैं, ऐसे हैं शांति प्रिय, इसलिए इस क्षेत्र से आगे बढ़ना ही बेहतर समझा।
तो माना जाता है इस दौरान मुंडाओं का जो दल था, एक दल उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ होते हुए बनारस काशी का प्रयोग पार करते हुए बिहार के नालंदा, वर्तमान में इसको नालंदा बोला जाता है, नालंदा नालंदा होते हुए इस छोटानागपुर के क्षेत्र में घुस गए। उन्होंने हजारीबाग पार किया और आगे जाते जाते ये बुढ़मू घाटी होते हुए पहुंच गए झारखंड के छोटानागपुर के पठार पे, और यहाँ ये सुत्यम्बे के क्षेत्र या सुत्यम्बेगढ़ के एरिया में पहुंचे। दूसरा दल की जो बात करते हैं तो दूसरा दल अरावली मतलब अरावली के क्षेत्र में जाते हुए ये चलते हैं नर्मदा नदी, नोरमदा मतलब नर्मदा नदी और ताप्ती नदी होते हुए वापस भीम का दिया चल्लो मतलब एक पर्वत श्रृंखला है जिसको हम लोग विंध्याचल बोलते हैं, वहां से होते हुए फिर ये लोग भी नेत्रहाट होते झारखंड के प्रदेश में प्रवेश करते हैं। हो सकता है एक दो दल और भी होंगे, वो लोग भी विभिन्न क्षेत्र में गए, तो ये अपने मुंडाओं का जो संस्कृति है उसको नहीं बचा पाए, या तो वो कोई दूसरे जाति में इन्वॉल्व हो गए या कन्वर्ट हो गए, लेकिन जो प्योर मुंडा है वो फाइनली कहाँ पहुंच गया, झारखंड के क्षेत्र में। तो ये छोटानागपुर के क्षेत्र में कब पहुंचे, छोटानागपुर के क्षेत्र में पहुंच गए थे बहुत कोई 1000 या 1100 ईस्वी बोलते हैं, लेकिन किताबों में अधिकतर ये 600 ईस्वी पूर्व माना जाता है कि ये छोटानागपुर के क्षेत्र में प्रवेश कर गए थे। इसमें इस दल का नेतृत्व ऋषा मुंडा करते थे, इनके ऋषा मुंडा थे या इनके पूर्वज थे, ऋषा मुंडा या इनके पूर्वज इस दल का ये कर रहे थे, और लगभग इसमें 21,000 मुंडा झारखंड के प्रदेश में प्रवेश कर चुके थे। कहाँ प्रवेश किए, ये बुरमू के क्षेत्र से होते हुए पहुंच गए हैं सुत्यम्बे, जो अभी पिठोरिया के क्षेत्र में पड़ता है, पिठोरिया के क्षेत्र में पड़ता है। अब इस क्षेत्र में रह के इस क्षेत्र में बहुत सारे कबीला आए थे, उनमें से सब लोग अलग अलग कबीला के रूप में रहते थे, लेकिन ऋषा मुंडा ने सारे कबीलाओं को बाद में क्या किया, एकत्र किया और एक आगे एक्चुअली मुंडा लोग एक जगह से दूसरी जगह जा क्यों रहे थे, क्योंकि उसको संस्कृति खराब होने का डर था, और ये ढूंढ रहे थे सोना लेकिन विष्णु, सोना लेकिन विष्णु इसके खोज में। जब ऋषा मुंडा और उनका दल सुत्यम्बे या पिठोरिया के क्षेत्र में पहुंचे तो उन्होंने इस जगह का टेस्टिंग किया, क्या वाकई ये सोना लेकिन विष्णु है, तो सिमोगा के मदद से ये पता चला कि हाँ सच में ये सोना लेकिन विष्णु है। और बहुत से गाना सोना नागपुर हीरा नागपुर आप सुने ही होंगे, तो फाइनली ये लोग सोचे कि अब इस क्षेत्र में बस जाते हैं। कौन लोग, मुंडा लोग, और किसके नेतृत्व में, ऋषा मुंडा के नेतृत्व में। धीरे 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 अब कबीला का संगठित हो गया और एक साम्राज्य के रूप में स्थापित किया गया। साम्राज्य कहानी का मतलब है अब शासन व्यवस्था, दुनिया नंगी घूम रही है लेकिन मुंडा जनजाति इस समय, मुंडा जनजाति इस समय सभ्यता या फिर एक साम्राज्य विस्तार करने में लगा हुआ है। साम्राज्य अभी हम लोग का ईस्वी सन भी शुरू नहीं हुआ, मतलब ईस्वी पूर्व की बात है, लगभग 600 ईस्वी पूर्व से आगे बढ़ते जाएंगे तो 200 100 ईस्वी पूर्व, लगभग 100 ईस्वी पूर्व की बात है कि ऋषा मुंडा और उनका दल छोटानागपुर में प्रवेश करके पिठोरिया के क्षेत्र में आ चुके हैं। 600 के आसपास ये झारखंड के क्षेत्र में प्रवेश किए थे, लेकिन
आगे बढ़ते 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 1000 ईस्वी के आसपास में ये पिटोरी के आसपास पहुंच गए और संगठित हो चुके थे तब तक। तो ऋषा मुंडा ने क्या किया, सबको संगठित करके एक साम्राज्य बनाया और इस साम्राज्य का राजा बना दिया क्षत्रिय मुंडा को, क्षत्रिय मुंडा को इस राजा बना दिया। ठीक है, क्षत्रिय मुंडा अब राजा बन गए हैं और इन्होंने, क्षत्रिय मुंडा ने ऋषा मुंडा की हेल्प से लगभग 7 गणों को एकत्रित किया, मतलब तो 7 बड़े बड़े कबीले थे उनको एकत्रित किया। कौन कौन से गढ़? राजा क्षत्रिय मुंडा ने अपने पूर्वजों के इतिहास को और कला में 7 गढ़, लोहरागढ़, हजारीगढ़, पलामूगढ़, मनुगढ़, सिंगागढ़, केसलगढ़ और सरगुजागढ़, ये 7 गढ़, और प्रत्येक गढ़ में 3 परगना थे, 3 परगना थे, तो 7 × 3 टोटल 21 परगना होते हैं। इस पूरे के पूरे 21 परगनाओं को एकत्रित करके मुंडाओं ने शासन व्यवस्था की स्थापना की। और ये कब? जब दुनिया नंगी घूम रही है, उनको पता ही नहीं है सभ्यता का, तब की बात है। मुंडा जनजाति इस पूरे दुनिया में सर्वप्रथम क्या एक लोकतंत्र या फिर एक शासन व्यवस्था कायम कर चुकी थी। जो 21 परगना थे वो इस तरह से हैं: उमेडंडा, होयसा, कुकराल, सिरगुजा, जसपुर, गंगपुर, पुरहाट, गिरा, और इस तरह से इसमें से एक तमाड़ भी है, तमाड़ की सदस्य में विलोम करता, और टोटल 151 नाम। ठीक है, अब इन जो गढ़ हैं इनके अपने अपने क्या हैं, इनके अपने अपने सरदार हैं, जैसे मनाई मुंडा, माना मुंडा, लाखोराम मुंडा, नेत्रा मुंडा, माटू मुंडा, माट मुंडा, खुदराम मुंडा, बलराम मुंडा, बलराय मुंडा, अजकू मुंडा, एक्सेट्रा, और भी थे। ठीक है, अब मुंडा ही इस छोटा नागपुर के क्षेत्र में पहले आए थे क्या? इससे भी पहले कोई जनजाति थी? हाँ, कुछ जनजातियां थी इससे पहले, और ये जनजातियां थी पारा तो असुर, बिरहोर, बिरहोर और पहाड़िया, इस तरह की जनजातियां आ चुकी। इसके बाद मुंडा जनजाति आई थी। तो ये थोड़े से असुर का काम क्या है, असुर लोगों का ये लोहा गलाने का काम करते थे, लोहा गलाने का काम करते। जब मुंडा जनजाति यहाँ आई छोटा नागपुर के क्षेत्र में, तो इस दौरान एक बार असुरों से उनका मुकाबला हुआ। असुरों से मुकाबला क्यों हुआ? पहला रीजन तो ये है कि मुंडा जनजाति जब खेत बनाए, चारों तरफ पेड़ पौधे उगाए, और इस असुर जनजाति लोहा गलाने का काम करते थे, जिससे तापमान बहुत ज्यादा बढ़ गया था, और इसके जो लावा है मुंडाओं के खेत में पहुंच रहे थे, इससे अस्तित्व का खतरा हो गया था। खाने का मतलब, अभी आप इतने पेड़ पौधे देख रहे हैं, यदि हो सकता है उस समय असुर जनजाति की बहुलता होती तो ये तो पूरे के पूरे गर्म कर देते और पूरा वनस्पति खत्म हो जाता था। तो चूंकि मुंडा शांति प्रिय जनजाति थी, लेकिन मजबूरी होती इन्हें क्या करना पड़ा, हथियार उठाना पड़ा और युद्ध करना पड़ा। किसके साथ? असुरों के साथ। हथियार बनाने का काम तो असुर का ही था, लेकिन मुंडा इतने संगठित थे और ताकतवर थे, इन असुरों को हरा दिया और इसके अस्तित्व को लगभग लगभग मिटा दिया था। अभी भी असुर आदिम जनजाति के अंतर्गत आती है, बहुत कम उनकी जनसंख्या है, तो इतने भी मुंडा जनजाति हैं, इन पर थोड़ा सा सद्भावना रखिए और इनके विकास में थोड़ा सा योगदान दीजिए। पहले हम लोग अपने संस्कृति में विकास करेंगे और असुरों को भी सहायता करेंगे। माना जाता है कि असुर जनजाति के विनाश का कारण हो सकता है हम लोग होंगे, जरूर उसमें मजबूरी थी, इस धरती को बचाने की, इसलिए हमने उसके साथ युद्ध किया, नहीं तो हम युद्ध नहीं करते। चलिए, अब झारखंड या छोटा नागपुर के क्षेत्र में मुंडा जनजाति का विस्तार हो चुका था। अब धीरे धीरे कोई अन्य जनजाति सब आना शुरू की। इसके बाद उरांव जनजाति आए, हो जनजाति, खड़िया जनजाति, खड़िया भी पुराने जनजाति, ये लोग आने शुरू हो जाएंगे हमारे बाद।
और लगभग लगभग हमने बाकी का स्वागत तो किया, ठीक ठाक भी किया, उसने किसी के साथ युद्ध नहीं किया, युद्ध का कहीं जिक्र आपको नहीं मिलता। लेकिन जो मुंडा जनजाति है उनपे सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा नागवंशियों का। तो एक बार हम लोग, अच्छा मुंडा जनजाति के बारे ही बता देते हैं कि ये चारों तरफ फैल गए थे, जिसको आप लोग रांची बोलते हैं, पहले ऋचि बुरु के नाम से पता था और बाद में इसको फांसी टिकरी बोला जाए, जिसको डुरंडा बोलते हैं, ये एक्चुअली डुरंडा नहीं दुरंदा है, या तो जिसको बोलते हैं ये बड़ाकू है, नाम को मतलब खोज निकाला, इसी तरह बिल सरिंग बला सरिंग है, टुकु दाना मतलब गोथा हुआ दाना, और उलठंडू या हुलहंडू या उलहतु, ये भी मुंडारी से ही नाम है, खाने का मतलब है पूरा की पूरा झारखंड चक्कर उन नाम के अंदर था। अब जो ऋषा मुंडा है, ये इनकी शासन व्यवस्था सही चली, सबके साथ सबका साथ सबका विकास का नारा लगाते हुए अच्छी तरह से शासन व्यवस्था चला रहे थे। इसी दौरान मुंडाओं को अब लगा कि ईदी की शुरुआत के बारे में थोड़ा सा कहानी आपको बताते हैं, ईदी की शुरुआत कैसे हुई। जब ऋषा मुंडा का शासन चल रहा था तो हो सकता है, ये भी मान्यता है कि मुंडा जनजाति एक जगह बहुत ज्यादा संगठित हो गई, बहुत ज्यादा उनकी जनसंख्या बढ़ गई, जिस कारण खाने पीने में दिक्कत हो सकती थी या अनाज खेती में दिक्कत हो। तो इन्होंने क्या किया, अपना जो कीली है मुंडाओं के पहचान के रूप में यूज किया और इसको लेके थोड़े से फैल गए। दूसरा रीजन ये भी है कि मुंडा जनजाति एक सभ्य जनजाति है, सभ्य जनजाति, तो जो शादी विवाह है उसमें कजन मैरिज या अपने भाई बहनों में विवाह ना हो, इसके लिए इन्होंने कीली की शुरुआत की। मुस्लिम में आप लोग देखते हैं कि एक मांग छोड़ के बाकी लोग शादी कर सकते हैं, लेकिन इससे दिक्कत क्या होती थी कि जो इनका जीन है, जीन में विकृति होती है और फाइनली जो इसमें बहुत सारे रोग हो जाते हैं जीन से संबंधित, और ये परमानेंट रोग हो जाते हैं कजन मैरिज से। और इस चीज को की जानकारी मुंडाओं को उस समय ही हो गई थी जब ये सुतिया मुंडा इनके राजा थे, मतलब लगभग लगभग ईस्वी सन स्टार्ट हुआ भी नहीं था, एक 100 ईस्वी पूर्व के पहले की बात थी। ठीक है, तो क्या किया गया, सुतिया मुंडा ने सबको बुलाया और जो जो मुंडा आए उस दिन उनको बोला कि अपना एक प्रतीक चिन्ह चुनो, ये जंगल में गए जो भी चीज मिला उसको एज ए प्रतीक चिन्ह चूज किए, जैसे सुतिया मुंडा बारला गोत्र, दुका मुंडा होरो एक कछुआ को लेकर आ गए, पूरा मुंडा केरकेटा पक्षी को लेकर आ गए, बेलो मुंडा कौआ पक्षी को, कंगो मुंडा डेंचुआ को, लाको धान को लेकर आ गए, लोंगो ढुंडुंग गोत्र के हो गए, इतरा मुंडा जुजुआर, बिरसा मुंडा कंडुना, चंपा मुंडा संगा, करम मुंडा तिलु, गोरंगा मुंडा लुगुन, सोमरा मुंडा गुड़, और लेदा मुंडा हेरेंज, उदय मुंडा नाग, आगे आगे कुछ और गोत्र थे, दो चार और गोत्र थे, कुछ गोत्र और होंगे उनको थोड़ा सा हम आपको बताते हैं। कुछ गोत्र हैं लगभग 22 के आसपास के गोत्र थे उसमें, 22 के आसपास के गोत्र थे। इसके बाद 15 तक हम लोग, मंगता मुंडा, मंगता मुंडा इनको मिला खंडीर, उसके बाद है रैया मुंडा, रैया मुंडा इनको मिला टूटी, उसके बाद पोड़ा मुंडा, पोड़ा मुंडा इनको मिला सुरीन, इसी तरह सनिका मुंडा नहीं, पोड़ा मुंडा को मिला हेमरोम, हेमरोम और सामू मुंडा को मिला, सामू मुंडा इनको मिला है सूर्य,
सनिका को क्या मिला? सनिका को मिला डांगुआ, डांगा, और दुकु को मिला तोकुनो या हाउ, तोकुनो या हाउ मिल गया। ठीक है, इसके बाद और एक व्यक्ति बच गए थे, एक व्यक्ति बच गए थे, शालू मुंडा। एक व्यक्ति बच गए थे, शालू मुंडा। इनको बेचारा कुछ नहीं मिला, तो इनको टूडू में आया था, इसको मुंडू दे देंगे, इसलिए यहाँ पे मुंडू। लगभग 22 गोत्र, उसके बाद फिर जो लोग नहीं आ पाए उनको बाद में गोत्र मिला। मुंडाओं में अगले लगभग 200 से 300 के आसपास का गोत्र है, 200 से 300 गोत्र है मुंडाओं में। तो अभी शुरुआत में 22 गोत्र थे, उसके बाद आगे फैल गए। मेरा जो सांडिल गोत्र है इसमें दिख नहीं रहा, लंकी इनका भी बहुत पुराना इतिहास है। आप लोग चोकाहातू, विश्वनाहातू के क्षेत्र में है, वहां पर आप लोग जाइएगा, यहाँ इनका एक बड़ा शासनगृह मिलेगा। और ये बहुत पुराना, बहुत पुराना है, ये तो शायद साइट क्या बोला जाता है, ये सोनाहातू क्षेत्र में है, सोनाहातू, एक चोकाहातू में, चोकाहातू में बहुत सारे मतलब 5 से 6 हजार के आसपास का सामान भी रखने मिलेगा। और ये पूरा का पूरा सांडिल का है, सांडिल है। इस पे भी एक रिसर्च होगी, इस पे हम लोग करेंगे मिलके रिसर्च। सांडिल गोत्र जो उस जगह पर उनका है, तो ये कहाँ से आए, कैसे है, हो सकता है अलग इतिहास सामने निकल कर आएगा। तो अब हम लोग थोड़ा सा नागवंशम के बारे में पढ़ लेते हैं। जब सुतिया मुंडा राजा बने, उसी दौरान आर्या, जो आप लोगों ने देखा था कि सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्र में, सिंधु के क्षेत्र में मुंडाओं से उलझ गए थे, और अब इनका मन वहां नहीं भरा और पूरे भारत में फैल गए। और भारत में फैलने के बाद ये फिर से हमारे क्षेत्र में आ गए, ये जो कनकपुर के क्षेत्र में एक दो नागवंशी आ गए, और सुतिया मुंडा ने कि वहां व्यापार के नाम पे आ गए और उसके राजदरबार में प्रवेश कर, राजदरबार में प्रवेश कर गए। इस समय आए और इन्होंने थोड़ा सा अपना प्रचार प्रसार शुरू किया, जैसे धार्मिक रूप से महादेव का प्रचार शुरू किया, महादेव। इसलिए आप इस जो मुंडाओं का जो सत्याम्बिकर है इस क्षेत्र में महादेव की पूजा जोरों शोरों से होती है। वहां भी एक तो आपको पूजा स्थल दिख जाएगा, आपको सुतियांबे वाला जंगल में, पिटोरी का जंगल है, उसमें आपको दिख जाएगा। ये नागवंशी ब्राह्मण आया सुतिया मुंडा से रिक्वेस्ट करके, इस क्षेत्र में बसने का मौका मिल गया, और ये धीरे धीरे दरबार में भी पहुंच गया एज ए पुरोहित के रूप में, पुरोहित के रूप में। समय बीतता गया, इन्होंने बढ़िया शासन किया, और इनका एक बेटा था, माना जाता है सुतिया मुंडा का, माना जाता है कि सच में है इनका बेटा मदरा मुंडा, मदरा मुंडा भी प्रतापी अच्छा थे, राजकुमार अच्छे थे, इनका लक्षण दिख रहा था कि ये शासन कर सकते थे। तो बाद में सुतिया मुंडा के बाद मदरा मुंडा को सुतियांबेगढ़ का राजा बना दिया गया। ये बहुत ही प्रतापी राजा थे, नेक राजा थे, सबका विश्वास, सबका साथ में चलते थे, और अपना जो क्षेत्र है उसको और ज्यादा स्ट्रोंग किया, मुंडाओं को और ज्यादा मजबूत किया। तो एक चीज है कि राज दरबार चलता कैसे था, जैसे बहुतों के आपने देखा होगा कि टैक्स लगता था, एगोरा वगैरह बाकी शासन व्यवस्था में, लेकिन जो मुंडाओं के शासन व्यवस्था में टैक्स किसी पे इम्पोज नहीं किया जाता, ये अपने मन से राजा के दरबार में आके खुशी खुशी कुछ दे के चल जाते थे, जिसे राज दरबार चलता था। और राजा खुद भी खेती बाड़ी और मतलब कुछ चीजों को करवाता था, जिससे आय बना रहता था। तो राजा किसी के भरोसे नहीं था, स्वेच्छा से आदमी इसके दान करते थे वगैरह वगैरह, इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं थी।
इसी तरह से बढ़िया ही चलता था शासन व्यवस्था। मदरा मुंडा जब राजा बन गए तो तब तक दो चार नागवंशी और भी आ गए थे, और जो अभी हम लोगों ने एक रोहित का जिक्र किया तो इनका भी परिवार आया हुआ था, तो इनका भी एक बेटा था। अब थोड़ा सा उसके बाद एक कहानी आती है, दो कहानी होती है। महाराजा मदरा मुंडा शासन बहुत बढ़िया किए, आगे बढ़े, उनके बाद उनका शादी हुआ, उनका एक बेटा था महाराजा मदरा मुंडा का, उसका नाम था मणि मुकुट। लेकिन एक कहानी, उनकी और एक बच्चा है जिनको गोद किया था, जिसका नाम है हनी मुकुट। इसके पीछे दो कहानी है हनी मुकुट के। तो हनी मुकुट है क्या? बहुत कोई बोलते हैं कि हनी मुकुट एक नाग का बेटा है, इसलिए नागवंशी। कहने का मतलब है नाग नाग का बेटा है, इसलिए मतलब किंग कोबरा बोल सकते हैं, उसका बेटा है। भगवान ने ही इसको दिया था। एक बार की बात थी कि वो अंधरिया तालाब वहां पर है, वहीं पर रो रहा था ये बच्चा, अनाथ बच्चा मिला था, और इसको लेके आ गए और इसको पाल लिए। ये भी कहानी। दूसरा कहानी बोला जाता है कि महाराजा मदरा मुंडा की एक बहन थी, बहन जिसका नाम था रूंगी। बहुत तो मुझे इसको चिता भी बोलते, चिता रूंगी या चिता। तो जो मदरा मुंडा की बहन और ब्राह्मण का बेटा, हम उम्र थे। एक बार की बात थी, राजकुमारी कुंगी जंगल में अपना एक मेमना मेमना लेके इधर उधर घूम रही थी, जंगल के मजे ले रही थी, सुंदर हरियाली का। तभी एक टाइगर या शेर आ जाता है और उसकी मेमनी पे हमला करने की कोशिश करता है। तभी ये ब्राह्मण का बेटा था इसको हेल्प करता है इसको बचाने के। तभी दोनों में प्रेम हो जाता है, इस तरह भी बोला जाता है, प्रेम हो जाता है। और फिर प्रेम में ये डूब जाते हैं, तो फाइनली रूंगी हो गई है गर्भवती। रूंगी गर्भवती हो गई, और गर्भवती काल में जब ये 5 माह के आसपास हो जाता है गर्भता, तो लगभग लगभग पहचान में आ जाता है कोई गर्भवती, इससे पहले पता नहीं आता। तो जब लोगों को पता चला इसकी गर्भवती के, तो मुंडा जनजाति में गैर आदिवासी से या शादी से पहले इस तरह के प्रेम को अवैध माना जाता है, और इसकी एक सजा होती है इनको घर से बाहर कर देना, और इसके नाम पे मतलब भोज कर देना है, बाल दाढ़ी काट लेना है, मतलब जीते जीते इसको मृत घोषित कर देना है, और इससे इसके परिवार वालों को और पूरे समाज वालों को कोई इससे नाता होता नहीं रहेगा। तो कुड़ंगी को भी इस तरह से बेघर कर दिया गया, और ये बेचारी गर्भकाल में भटक रही है। क्योंकि राजकुमारी थी तो बहुत कोई इसमें खाने वगैरह दे दिए वगैरह वगैरह, इसी तरह इसका जीवन जान हुआ। तो 5 महीना से होते 6 महीना, 7 महीना, 8 महीने, और इस तरह 9 महीना, 9 महीना में इनका हो गया प्रसव पीड़ा। ये भटकते भटकते चिंता में पूरी तरह कमजोर हो चुकी थी, और इनका प्रसव पीड़ा हुआ कहाँ? इसे अंधरिया तालाब एक गुलांती का वृक्ष है वहीं पर हुआ। ये तो बहुत कमजोर हो चुकी थी भूख प्यास से, इनका हालत था खराब था। प्रसव पीड़ा के बाद इस दुनिया में नहीं रही, रूंगी इस दुनिया में नहीं रही। जब बालक को इन्होंने जन्म दिया और सुंदर सुशील सा बालक था, रोने लगा, और माना जाता है इसी समय सिंहभूगा ने इस बालक के बचाव में एक नाग को भेज दिया है, नाग, और ये थन पलाय इस बालक के सामने आ गया। किसी तरह खबर पहुंचाई गई किसके पास? मदरा मुंडा के पास। मदरा मुंडा के पास खबर पहुंचाई गई कि नहीं, अपनी बहन का ऐसा ऐसा हुआ, वो तो नहीं रही, उनका बेटा वहां रो रहा है।
ये दौड़े दौड़े जाते हैं और वहां देखते हैं कि वहां नाग अनपलाय बच्चे के सामने पड़े हुए। तो जब आदमी लोग आ गए और मदरा मुंडा आ गए तो उन नाग को लगा कि भाई अब इनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो सकती है, तो फिर आगे ये तालाब में चल गए या आगे चले गए। बाद में इस बालक को लेके आया गया और राजदरबार में रखा गया और इसका नाम, क्योंकि फन नाम देवता का था इसलिए फनी मुकुट राय रखा गया, फनी मुकुट राय रख दिया। अब ये दोनों बच्चे बढ़ने लगे, माना क्योंकि ये इनकी बहन के ही बेटा है तो एक प्रकार से आधा खून तो लगभग लगभग उनका ही है। इन्हें भी राजकुमार का दर्जा दिया गया और ये बढ़ गए। मणि मुकुट राय या मणि मुकुट जो इसके ओरिजिनल बेटा है, ये घुमरालू बाल है इनका, घुमरालू बाल, मध्यम कद काठी और काला कलर है इनका। इसके विपरीत फनी मुकुट राय, मुकुट राय लंबा सीधा बाल और गोरा गोरा कलर, दोनों बहुत तेज सुशील और दोनों बहुत तेज वाला, धीरे 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 बढ़ गए। अब धीरे धीरे मदरा मुंडा का युग खत्म होना शुरू हो गया, तो अब नए राजा या राजकुमारों को राज्याभिषेक करने की बारी आ गई। अब बहुत कोई बोले कि नहीं, ओरिजिनल बेटा कौन है, मणि मुकुट, मणि मुकुट इसे ही राजा बनाया गया, अधिकतर मुंडाओं ने इसका समर्थन किया। लेकिन अब राजदरबार में कुछ बाहरी भी आ चुके थे, नागवंशी और कुछ ब्राह्मण वगैरह भी थे, तो उनका उन्होंने उनका विरोध किया और बोला कि नहीं, हनी मुकुट भी तो इन्हीं का खून है, इनकी बहन की बहन का ही बेटा है, तो हम लोग क्यों ना उन्हें राजा बना देते। तो फाइनली डिसाइड किया गया कि दोनों में प्रतियोगिता कराया जाएगा, जो जीतेगा उसी को राजा बनाया जाएगा। अब देख रहे हो स्थिति कि मुंडा जनजाति या मदरा मुंडा उसमें प्रजातंत्र चला रहे, कि प्रजा के द्वारा जो भी चुना जाएगा उन्हीं को राजा बनाएंगे, पीढ़ी दर पीढ़ी राजतंत्र नहीं चला रहे। और अभी तो नाम मात्र का राज प्रजातंत्र है, चल तो रहा है एक प्रकार का राजतंत्र है, नेता का बेटा ही नेता बन रहा है, लेकिन उसमें ऐसा नहीं, मुंडा लोग उसमें इस प्रथा को चलाए थे। और ये काल लगभग लगभग अभी का बात है, ईस्वी सन स्टार्ट हो चुकी थी 10 ईस्वी के आसपास का बात, 10 ईस्वी के आसपास का बात। चलिए आगे बढ़ते हैं इस कथन पे। और दोनों की प्रतियोगिता में पहले तीर धनुष का प्रतियोगिता हुआ, बहुत सारे प्रतियोगिता हुए, दोनों में दोनों सेम सेम हो गए। फाइनली अब डिसाइड तो करना था, कोई एक राजा बनना था, तो एक फाइनल डिसीजन लिया गया कि अब उनको घोड़े पे जाके एक सैर करना है और पूरे के पूरे जो पिठोरिया पर्वत है उसको एक चक्कर लगा के वापस राजदरबार में पहुंचना है। दो घोड़ा लाया गया और दोनों राजकुमार तैयार, घोड़ा दोनों राजकुमार तैयार। इसमें फनी मुकुट राय के बारे आपको बताया था कि लंबा था, तो ये घोड़े पे तुरंत चढ़ गया और निकल गए। मणि मुकुट का हाइट थोड़ा कम था तो चढ़ने में थोड़ा सा लेट हो गया और यही लेट फाइनल वाला में भी दिखने को मिला, जो वापस एक राउंड घूम के आना था तो खानी मुकुट राय थोड़ा सा आगे बढ़ गए और अंततः इसको राजा घोषित किया गया। अब जो मुंडा शासन चल रहा था लगभग लगभग यहाँ से अब हम लोग का स्थानांतरित हो चुका है, इसमें नागवंशी, नागवंशी शासन है। तो एज ए रिसर्चर या फिर स्टूडेंट या एक फैकल्टी एक मुंडा जनजाति को होते मुझे ये थोड़ा सा संदेह के घेरे में है कि भाई क्या ये सचमुच सही निर्णय था, क्योंकि यहाँ से मुंडाओं का लगभग लगभग पतन शुरू हो चुका था। इसके बाद जो ये एक राजा कहलाने वाले मुंडा सोना लेकर निशुन में
अभी की स्थिति आप लोग देख रहे हैं क्या स्थिति है अभी। आगे ये तानी मुकुट राज जैसे जैसे राजा बने तो इन्होंने और सारे ब्राह्मणों को बुलाया, पंजाब से पंजाब बोले हैं, बिहार से, उत्तर प्रदेश से, बंगाल से, कुर्मियों को भी बसाने का इसी का श्रेय जाता है। कुर्मी जो उस क्षेत्र में आप लोग को देखने को मिलता है, ये लोग कुर्मी लोगों को भी शायद इसी ने बसाया था। तो आपको सोनाहातू या फिर ये पुरुलिया और धनबाद वाला एरिया आप देखेंगे तो यहाँ कुर्मियों का अच्छा गढ़ है। तो यही फणी मुकुट राय ही इन लोगों को भूदान किए और उनको बसाए। यहाँ से धीरे धीरे मुंडाओं की संस्कृति में दखल अंदाज शुरू हो गई और आगे यही लोग राजा बनते गए और तब से फणी मुकुट राय ने प्रजातंत्र खत्म कर दिया। फणी मुकुट राय ने क्या किया, प्रजातंत्र खत्म कर दिया और इसको एक प्रकार के सत्ता को हत्या लिया और इसको बना दिया राजतंत्र। और अपने मुंडा लोग क्या करते गए, बस ताकते रहे। जो छोटे छोटे परगना में थे, कभी इन्होंने एक दो बार विरोध का प्रदर्शन भी किया, लेकिन उस तरह से संगठित नाम नहीं हो पाए और वापस इस नागवंशी शासन को नहीं भिगा पाए। तो ये था हमारे मुंडाओं का इतिहास। इतिहास तो बहुत अच्छा था, लेकिन हमने कुछ गलतियां कर दी। शायद हमने सत्ता को स्थानांतरित करते, अन्यथा आज हम लोग भी राजा हुए हुआ करते। आज जिस तरह से हम लोग की स्थिति है, एक और जहाँ गरीबी से हम लोग जूझ रहे हैं, तो दूसरी ओर नशापान हमें और गर्त में लेके जा रहा है। तो हमें इन सब सारी चीजों को कंट्रोल करना, और एडुकेशन ही एक ऐसा चीज है जिससे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो इनको हमको आगे बढ़ाना। तो आज का लेक्चर जो मुंडाओं के इतिहास था, लगभग यही समाप्त करते हैं। आगे फिर संस्कृति पे आगे किस तरह से हुआ ये चीज मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन लास्ट में एक जानकारी आप लोगों को दे देता हूँ कि हमने अब मुंडारी साहित्य पे स्टडी शुरू कर दी है, चाहे वो JSSC का हो या फिर JPSC हो, JTET टेट हो, या फिर आप UGC नेट का आप तैयारी करते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़िए। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9110 9188। इस नंबर पर संपर्क कीजिए, आपको कोर्सेज के बारे में जानकारी मिल जाएगी, ताकि आपका जो डर है मुंडारी साहित्य के नाम पे, इनके लेक्चर नहीं मिल रहे हैं, अब मिलना शुरू हो जाएंगे। जल्दी इसके टेस्ट सीरीज वगैरह भी स्टार्ट किए जाएंगे। सबको तो बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में एक बार बोलेंगे कि जो लोग अब तक इस चैनल को गुलगुलान चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किए, लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये जानकारी जो मुंडा जनजाति का इतिहास है, ये थोड़ा सा फैलाइए, स्टेटस में डालिए और भी मुंडा तक पहुंचाइए। थैंक यू। इस तरह और भी हम लोग वीडियो में मिलते रहेंगे।